एक बड़ी खबर आ रही है जहां ग्रेटर नोएडा माफ कीजिए ग्रेटर नगर निगम महापौर में सौम्या गुर्जर बर्खास्त का मामला सामने आया है। राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को हटा दिया है, 6 साल तक उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने किया अयोग्य घोषित। तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह ने इनका विवाद चल रहा था, उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। तो ये बड़ी खबर, राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को उनके पद से हटा दिया है। 6 साल तक निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह से विवाद था, इसी विवाद को लेकर अयोग्य घोषित किया गया है 6 साल तक के लिए। अब वो नगर निगम महापौर न चुनाव लड़ पाएंगी, न उनको कोई राजनीतिक दखल देना होगा। तो 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर, राज्य सरकार ने पद से हटा दिया है। महापौर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है, बड़ी खबर है। ये बताया जा रहा है कि तत्कालीन आयुक्त से विवाद चल रहा था, इसी विवाद को लेकर काफी गहमागहमी हुई, जिसको लेकर शिकायत भी की गई थी। इसलिए ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को उनके पद से हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि सौम्या गुर्जर को उनके पद से हटा दिया गया है। ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है। ये लेटर जारी करके बकायदे सिग्नेचर के साथ बर्खास्तगी की खबर सामने आई। राज्य सरकार ने 6 साल के लिए निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। बड़ी खबर है ये। आपको बता दें कि सौम्या गुर्जर को 6 साल के लिए निकाय चुनाव से संबंधित जो उनके राइट्स हैं उसको लेकर उन्हें अघोषित बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद को लेकर अयोग्य घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर, नगर निगम महापौर को अयोग्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को बताया जा रहा है अयोग्य घोषित किया है। 6 साल तक निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह से विवाद चल रहा था, इसी विवाद को लेकर अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर है। तत्कालीन स्वायत्त शासन विभाग ने यह जारी किया, 6 साल तक निकाय चुनाव के लिए अयोग्य फिलहाल घोषित किया गया है। ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को फिलहाल बर्खास्त किया गया। राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को पद से हटाया है। रामलाल एमएलए हमसे जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज के साथ हरियाणा। तो आपको तो रामलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी धन्यवाद सौरभ जी। मेरा सवाल यह है कि सौम्या गुर्जर को उनके पद से हटा दिया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है 6 साल के लिए, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हर जन प्रतिनिधि का धर्म होता है कि वो जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराए और उन जन समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। लेकिन नगर निगम ग्रेटर के अंदर जिस तरीके से सरकार के इशारे पे अधिकारी काम कर रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर काम नहीं कर रहे, सरकार जैसा कह रही है वैसा काम कर रहे थे। और सरकार की और अगर ईमानदारी से अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, अन्य घटनाएं की गई, एक भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस का है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ बिना किसी कार्रवाई के, बिना कोई कारण के, और सरकार सीधी कार्रवाई कर रही है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि सौम्या गुर्जर के द्वारा या उनके पार्षदों के द्वारा कोई अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं की गई, 1% भी
घटना नहीं है। एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर के अंदर भी जो नाम लिखाए गए उन नामों को भी जब पता चला सरकार के अधिकारियों को कि साहब ये मौके पे नहीं थे, तो उन नामों को फिर बाद के अंदर बयानों के अंदर निकाला गया। जी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे निगम के अंदर, सीसीटीवी कैमरे की मांग सबने की कि साहब सीसीटीवी की फुटेज उपलब्ध कराइए, फुटेज किसी को नहीं दी गई। आनन फानन के अंदर सीसीटीवी के कैमरे हटाए गए, उनका सीडीआर हटाया गया और उन सभी जो वास्तविकता के प्रमाण थे उन सबको वहां से हटा के और उनको एक तरीके से एविडेंस को लुप्त करने का काम किया गया, साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया। अब सरकार भी इनके, अधिकारी भी इनके, जांच अधिकारी भी इनके, ये जैसी चाहे वैसी जांच रिपोर्ट तैयार करवा के आप कार्रवाई कर रहे हैं वो अनुचित है, गलत है। रामलाल जी, इस तरीके से अब इन पर आरोप लगा जैसे कि सौम्या गुर्जर पर कि अभद्रता कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं, अगर उनको हटाया गया तो गलत क्या हुआ इसमें? देखिए अलवर के अंदर घटना हुई, अलवर के अंदर जो कांग्रेस की सभापति थी उसके द्वारा किस तरीके से अधिकारी के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, क्यों नहीं हटाया गया उसके साथ? और यहाँ बिना किसी बदतमीजी के आप हटा रहे हो, हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है। दूसरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जैसा चाहे वैसा निर्णय करे, वो चाहे तो कार्रवाई करे, वो चाहे तो चेतावनी देकर छोड़े, सरकार जैसा चाहे वैसा निर्णय। नहीं, आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कह रहे हैं कि इनको हटाएगा, अगर मान लीजिए आपकी सरकार होती है और इसी तरीके से अधिकारी भी अभद्रता करती, मारपीट करती, तो क्या आप नहीं हटाते? हमारी सरकार के अंदर अगर मारपीट होती तो हम हटाते, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी बदतमीजी के, सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर आप रिकॉर्ड तैयार करके, अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करके और आप व्यवस्थापूर्ण तरीके से कार्रवाई करें वो अनुचित है। चलिए रामनाथ शर्मा जी, आपने इंडिया न्यूज को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 6 साल तक निकाय चुनाव के लिए हटा दिया गया है, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तत्कालीन आयुक्त से विवाद था, उसी विवाद के चक्कर में सौम्या गुर्जर को उनके पद से हटा दिया गया है। तो राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को पद से हटा दिया है, तो ग्रेटर नगर निगम से हटाया गया है, बड़ी खबर है। आपको बताते हैं राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को हटाया, 6 साल तक निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो हम आपको दिखा रहे हैं यह खबर कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, अधिकारियों के साथ बदसलूकी का मामला था, मारपीट का मामला था, जिसके बाद सौम्या गुर्जर को वहां से हटा दिया गया उनके पद से। अब ये कहा जा रहा है कि ये 6 साल तक नगर निगम की चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, 6 साल तक निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, ये बड़ी खबर है। तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र से मारपीट का ये पूरा मामला था, विवाद था, विवाद के बाद से ही पूरा मामला गर्माता गया, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई, कई तरीके की बयानबाजियां भी हुई, लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इसके बाद तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अब सौम्या गुर्जर पर कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को पद से हटा दिया है, राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर से इस पूरे विवाद को लेकर पहले जांच की, जांच पड़ताल के बाद जब तमाम पहलू निकलकर सामने, जयपुर के नाइट